हेलो आर्मीज। तो गाइस, कुछ ही टाइम पहले जब BTS के मेंबर जंगकुक ने कैल्विन क्लेन के साथ अपना कोलैबोरेशन लॉन्च किया था, दुनिया भर में एक बड़ा तहलका ही मच गया था, क्योंकि आर्मीज उनके पीक देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। लेकिन आर्मीज, क्या आपको ये बात पता है कि हाल ही में ही जंगकुक का एक नया न्यू फोटो पोस्टर लॉन्च हुआ है, जिसको देखकर आर्मीज तो अपना दिल ही हार बैठी है, क्योंकि इस पोस्टर फोटो में जंगकुक बहुत ज़्यादा डैशिंग लग रहे हैं। उनका लुक इतना ज़्यादा हॉट लग रहा है कि आर्मीज तो मानो शॉक ही हो गई है। तो गाइस, जब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये पोस्टर फोटो है किस चीज़ का, तो आर्मीज आप सभी को बता दूं कि कल रात को ही जंगकुक की एक न्यू फोटो रिलीज हुई है, जो कि हर जगह पर वायरल हो रही है। तो शायद आप सभी ने भी इसे देखा ही होगा। तो गाइस, बेसिकली ये फोटो है डेज मैगजीन की, जिसकी फ्रंट कवर पोस्टर पर जंगकुक की फोटो आई है। तो आर्मीज डेज मैगजीन ने पहले ही अनाउंस किया था कि उनकी आने वाली मैगजीन का कवर जंगकुक होंगे। हालांकि उस टाइम फोटो रिवील नहीं करी थी, लेकिन कल रात को अचानक से जंगकुक की फोटो फाइनली रिवील करी गई और इसने हर जगह पर तहलका मचा दिया। और गाइस, इस फोटो में जंगकुक काफी ज्यादा हॉट लग रहे हैं। उन्होंने ब्लैक कलर की जैकेट पहनी है। हालांकि फोटो काफी छोटी सी है, लेकिन देखने से पता चलता है कि जैकेट के अंदर जंगकुक ने फिर से कुछ नहीं पहना है। और गाइस, फोटो को अच्छे से देखने पर यह भी पता चलता है कि जंगकुक शायद कार ड्राइव कर रहे हैं, और ये सब देखने में काफी ज्यादा हॉट एंड कूल लग रहा है। और गाइस, फिलहाल दुनिया भर में उनकी ये फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, और इसे देखने के बाद आर्मीज ये सोचकर एक्साइटेड है कि पोस्टर इतनी ज़्यादा अच्छी और हॉट है, तो बाकी फोटोज कैसी कैसी होगी। और गाइस, बाकी फोटोज कुछ दिनों में लॉन्च हो ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जंगकुक वो पहले कोरियन आर्टिस्ट बन गए हैं जो कि UK के टॉप सेलिंग मैगजीन के फ्रंट कवर पे आए हैं। यानी कि जंगकुक डेज मैगजीन के कोरियन कवर पर नहीं, बल्कि UK कवर पर आए हैं। और इसलिए दुनिया भर की आर्मीज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जंगकुक के इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो आर्मी, जंगकुक का ये फोटो पोस्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर करना।